हेलो हेलो वन टू फोर वन टू फोर हेलो 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 वन टू फोर वन टू हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया मैं भी यहां पर मजे में बच्चों हम लोगों के पास चल रहे है, हैं जिस चैप्टर्स में ज्यादा हैं 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 जिसके अंदर थोड़े या फॉर्मूले जाते पहले हम होने कर रहे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आज हम मॉर्निंग कर चुके हैं अब हम करने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग जो एक बड़ा चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग और रिकाउंसिलेशन छोटा है बजट भी छोटा है जॉइंटेड बाई प्रोडक्ट भी छोटा है प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा है सर्विस कोस्टिंग थोड़ा बड़ा है इसके अलावा क्वेश्चन डायरेक्ट एक्सपैन छोटे हैं मेटेरियल थोड़ा सा बड़ा है लेबर छोटा है, है।, तो एक एक सारे -सारे वन वन है तो हमारे पास यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो चुका है आज हम लोग करने जा रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों चैप्टर हैं क्योंकि स्टैंडर्ड और मार्जिनल से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में स्टैंडर्ड जनरली बच्चे छोड़ देते हैं जबकि स्टैंडर्ड बहुत सिंपल है अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जो मॉर्निंग का सेशन था उसे देखेगा आपके स्टैंडर्ड्स का बेसिक भी पूरा हो जाएगा और आपको रिकॉल भी हो जाएंगी चीजें अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है एक छोटी सी इक्वेशन है जिसके ऊपर ये बना हुआ है मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं कि देखो हमारी जो सेल्स है उसके इक्वस्ट टू वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट होता है लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा तो सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट फिक्स और प्रॉफिट होता है सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होता है क्वांटिटी के साथ यानी कि जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी वैसे वैसे ही सेल भी बढ़ेगी ऑब्वियसली सेल हमेशा ऊपर रहेगी वेरिएबल कॉस्ट से वरना बिजनेस नुकसान में जाएगा तो सेल और वेरिएबल कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशन होता है क्वांटिटी के साथ और आपके पास में जैसे मान लीजिए सेल है जितनी भी यूनिट्स आपकी बनी उन पर सौ रुपए वेरिएबल कॉस्ट है जितनी भी यूनिट्स आपकी बनी उन पर सत्तर रुपए तो हर यूनिट पर आपको सौ रुपए मिलेंगे और सत्तर रुपए वेरिएबल कॉस्ट के नाम पर आपके खर्च हो जाएंगे यानी आपकी पॉकेट में हर यूनिट पर सिर्फ तीस रुपए ही आएंगे फिर इस तीस रुपए में से आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट आपको रिकवर करना होगा तो इन्होंने इक्वेशन बोली टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस से को हटा दो क्योंकि तीस तो 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 कट रुपए मिलने है। तो में से वेरिएबल कॉस्ट हटाने के बाद इसको बोला गया कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन में से कॉस्ट और प्रॉफिट निकल कर आएगा इसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन तो मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन हमारे पास बिल्कुल सिंपल है कॉन्ट्रीब्यूशन इक्व टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इसी के ऊपर पूरा का पूरा आपका मार्जिनल कॉस्टिंग बैठा हुआ है अब हमारे पास अगर हम यहां पर देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन कॉन्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब है सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को आप माइनस कर दीजिए रिमेनिंग जो सेल की अमाउंट बचेगी उसे हम कॉन्ट्रीब्यूशन बोलेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन रेशो या पीवी वी रेशो अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन को सेल से लिंक कर दें तो इसे पीवी या फिर रेशो कहते हैं और अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को सेल से लिंक करें तो उसे रेशो बोलते हैं। आपका है है 70 और है 30. तो हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो जिसे हम पीवी रेशो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो बोलते हैं वो थर्टी परसेंट आ जाएगा और वेरिएबल कॉस्ट रेशो सेवन आ जाएगा इसी के ऊपर हमारे फॉर्मुले बने हुए सबसे पहला हमारे पास आता है ब्रेक पॉइंट एग्जाम में ब्रेक इव पॉइंट यूनिट्स में और अमाउंट में दोनों चीजों में पूछा जा सकता है अगर मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कोई भी चीज यूनिट में पूछी जाएगी तो हम कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे और अगर कोई भी चीज अमाउंट में पूछी जाएगी तो पीवी रेशो से डिवाइड करेंगे पीवी रेशो आपके आंसर्स को अमाउंट में बताता है और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करने में आपके आंसर यूनिट्स में आते हैं तो जैसे मान लीजिए ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो ब्रेक इवन पॉइंट में हमें सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए होती है ब्रेक इवन सेल का मतलब है कि ब्रेक इवन सेल में वेरिएबल कॉस्ट होगी फिक्स्ड कॉस्ट होगी लेकिन प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा तो यहां पर हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता है अगर अमाउंट में चाहिए तो पी वी रेशो रखना होगा और आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अगर हम बात करें तो बीपी के बाद जितनी भी सेल होती है उसे हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल के अंदर हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी और प्रॉफिट होगा फिक्स्ड कॉस्ट वाला पार्ट बीपी तक खत्म हो चुका है तो वहां पर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगी तो हमारी सेल का जो पहला हिस्सा है उसे हम कहते हैं बीपी सेल जहां तक हमारी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाती है इसके बाद वाली सेल को हम लोग बोलते हैं एमओएस सेल जहां पर हमें प्रॉफिट मिलता है तो एमओएस का फॉर्मूला हमारे पास रहेगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर आपको अमाउंट यूनिट्स में आंसर चाहिए और प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशो अगर आपको अमाउंट में आंसर चाहिए तो तो मेजर जो हमारा पोर्शन है हर क्वेश्चन क्वेश्चन के अंदर आपको यही लिखेगा कि ब्रेक इवन पॉइंट पूछ पूछ रहा है, पूछ रहा है है मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछता है प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिर पीवी रेशो रखेंगे ब्रेक इवन पूछता है तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिर पीवी रेशो हम लोग रखकर चलेंगे इसके बाद में एक कंसेप्ट हमारे पास आता है प्रॉफिट प्लानिंग प्रॉफिट प्लानिंग के क्वेश्चंस में बच्चे उलझ जाते हैं प्रॉफिट प्लानिंग का क्वेश्चन किस तरह से होता है एक तो क्वेश्चन सीधा सीधा होगा कि फोर्टी परसेंट तो भी बोल सकते हैं एक तो क्वेश्चन क्या करता है कि आपको बता देगा हमारी फिक्स कॉस्ट इतनी है और हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट इतना है तो जैसे फिक्स कॉस्ट आपको बोल दिया सत्तर हजार रुपए और डिजायर्ड प्रॉफिट हमारा

पर कई बार क्वेश्चन क्या करता है जो तो डिजायर्ड प्रॉफिट है इसकी जगह परसेंटेज दे देता है यानी कहानी किस तरीके से बोलेगा कहानी इस तरीके से देगा जैसे आपको बोल दिया चालीस परसेंट है ना बीस परसेंट प्रॉफिट ले लेते हैं चालीस हजार की फिक्स्ड कॉस्ट हाँ जी क्वेश्चन ने यहां पर बोल दिया आपको कि जो हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट है वो ट्वेंटी परसेंट ऑफ सेल्स है ट्वेंटी परसेंट ऑफ सेल्स तो यहां पर ट्वेंटी परसेंट ऑफ सेल को हम बोल सकते हैं सेल है सौ रुपए यानी बीस रुपए पर यूनिट हो गया आपका ऐसी सिचुएशन में अगर आपको आंसर चाहिए तो इसका बिल्कुल शॉर्टकट और आसान सा तरीका होता है अगर यूनिट्स में आंसर चाहिए तो आप सिंपली लेंगे फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट देखिए कंट्रीब्यूशन में दो चीजें हैं एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक प्रॉफिट तो इसमें से आप प्रॉफिट को हटा दीजिए तो फिक्स्ड कॉस्ट बचेगी तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट अगर आप प्रॉफिट पर यूनिट माइनस कर देते हैं तो कंट्रीब्यूशन के अंदर सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट का हिस्सा रह जाता है यहां पर इस सिचुएशन में हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है चालीस हजार कॉन्ट्रीब्यूशन है चालीस रुपए पर यूनिट बीस रुपए पर यूनिट प्रॉफिट चाहिए तो फोर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी हमारे पास टू थाउजेंड यूनिट आंसर आ जाएगा ये इसका शॉर्टकट तरीका होता है दूसरा तरीका आप एक्स बना के भी कर सकते हैं लेट सेल्स बी एक्स अगर सेल एक्स है तो फिर हमारे पास प्रॉफिट पॉइंट टू एक्स हो जाएगा अमाउंट में और ट्वेंटी एक्स हो जाएगा अगर यूनिट में आंसर चाहिए अब अगर मान लीजिए रुपीच में आपको आंसर चाहिए तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पी वी रेशो रखिए और पी वी रेशो में से प्रॉफिट परसेंटेज टू सेल्स जो भी है आपकी उसे हटा दीजिए तो हमारे पास यहां पर आंसर आ जाएगा चालीस हजार की फिक्स्ड कॉस्ट है पीवी वी रेशो है फोर्टी परसेंट इसमें से ट्वेंटी परसेंट आप हटा दीजिए तो चालीस हजार डिवाइडी परसेंट आपकी सेल अमाउंट में दो लाख रुपए होनी चाहिए तो आपके पास ट्वेंटी ले ली हमने दो लाख रुपए वेरिएबल कॉस्ट सिक्सटी परसेंट है चालीस हजार माइनस कर दी बचे चालीस हजार ये हमारा प्रॉफिट हो गया क्या ये प्रॉफिट सेल का ट्वेंटी परसेंट है

जैसे ट्वेंटी परसेंट ऑफ सेल प्रॉफिट कमाना है बीस रुपए पर यूनिट हमें प्रॉफिट कमाना है अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे कह रहा है कि हमारी फिक्स कॉस्ट चालीस है और हमें चालीस हजार का प्रॉफिट चाहिए फिर यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है अगर प्रॉफिट खुद दिया हुआ है अमाउंट में फिर यह सब करने की जरूरत नहीं है फिर तो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों गेम ने दोनों को लीजिए और उसके बाद में कॉन्ट्रीब्यूशन या पीवी रेशो से डिवाइड कर दीजिए इसके बाद में हमारे पास एक आता है कंसर्न दो पीरियड का हमें डेटा दिया होता है

और वेरिएबल तो लाख और, तो और यहां पर फिफ्टी लाख का सिक्सटी परसेंट नाइन लैख तो हो गई वेरिएबल कॉस्ट टू लाख हो गई कॉस्ट ग्यारह लाख रुपए फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल आपके पास आ गया तो एग्जामिनर को तो ये पता होता है कि उसमें वेरियबल कोस्ट या कॉस्ट उसने कितनी जोड़ी गई है प्रॉफिट कितना आ गया टेन लैख में से कॉस्ट है टू लैख का प्रॉफिट और यहाँ पर फोर लैख का प्रॉफिट आ गया तो दो पीरियड का डेटा दिया हुआ होगा दो पीरियड की सेल सेल के साथ में या या तो तो दो दो पीरियड पीरियड की कॉस्ट दी गई होगी फिर दो का प्रॉफिट दिया होगा तो यहां से हम वेरिएबल कॉस्ट रेशो निकाल सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट होता है डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन सेल्स कॉस्ट का डिफरेंस यहां से यहां पर जो कॉस्ट का डिफरेंस है तीन लाख रुपए वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा डिवाइडेड बाई फाइव लाख की सेल पर तो यह हमारे पास सिक्सटी परसेंट आ गया अभी हमने जब तो क्वेश्चन बनाया था तो सिक्सटी परसेंट सेल ले लीजिए और एक यहां पर पी वी रेशो निकालने का भी फॉर्मूला हमारे पास बनता है डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन सेल्स डिफरेंस इन प्रॉफिट आपका कितना है दो लाख रुपए सेल कितनी पांच लाख तो आपका फोर्टी परसेंट पी वी रेशो आ गया एग्जामिनर आपको या तो का डेटा देगा या प्रॉफिट का दोनों डेटा नहीं देगा उसका रीजन क्या है मान लो आपने वेरियबल्टी परसेंट तो, 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 तो वह इम्प्लाइड है कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी सिक्सटी परसेंट आ जाएगी तो डेटा किसी एक ही चीज का दिया होगा सेल के साथ में या तो का या तो फिर प्रॉफिट का ओके तो यह हमारे पास रहेगा पीवी रेशो दो डिफरेंट पीरियड के

रेशो को जोड़ देंगे तो हंड्रेड हमारे पास आ जाता है इसके बाद में हमसे बी पी एमओ एस अलग अलग, अलग चीजें पूछेगा बीपी के लिए फिक्स को हम कंसिडर करते हैं फिक्स डिवाइडेड बाई पीवी रेशो या पर कॉन्ट्रीब्यूशनिट एमओस के लिए प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं प्रॉफिट पर यूनिट या फिर पीवी रेशो अब हमारे पास अगर दो पीरियड का डेटा होगा तो डिफरेंस इन कॉस्ट को अगर लोगे डिफरेंस इन कॉस्ट को तो वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी और अगर डिफरेंस इन प्रॉफिट को लोगे तो पीवी वी रेशो आपके पास निकल आएगा उसके बाद अलग अलग सिनेरियो चलते रहेंगे जैसे सेल में एक मर्जर वो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उनके साथ में हम डिस्कस करते जाएंगे बहुत ही ज्यादा सिंपल सा चैप्टर है इसके सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने कुछ उठाए हुए हैं वो क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले है बीबीक्यू 102। वन जीरो टू अंपनी हेच रेशो ऑफ फोर्टी परसेंट कंपनी का पीवी रेशो फोर्टी परसेंट है बाई वोट परसेंटेज मस्ट सेल्स बी इंक्रीज कितने परसेंट सेल हमें बढ़ानी पड़ेगी में में अगर 20 reduction करनी है है. तो तो अभी आपका रेशो 40 है। अब ऐसे questions में सिर्फ आपको इतनी सी कहानी देकर छोड़ देता है. तो आपको sales को हंड्रेड या फिर एक्स मानना होता है तो आप एक्स मान के भी क्वेश्चन कर सकते हैं और आप हंड्रेड मान के भी क्वेश्चन कर सकते हैं आसान रहता है हंड्रेड मान के करिए तो जैसे हमने मान लिया कि हमारा जो करंट है वो सेल प्राइस है हंड्रेड ठीक है आपका पी वी रेशियो है फोर्टी परसेंट यानी वेरिएबल कॉस्ट होगी गई सिक्सटी रुपीज और चालीस रुपए का आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है ठीक है अब इन फ्यूचर आप क्या चाहते हो कि हम इस सौ रुपए में बीस परसेंट डिडक्शन कर दें यानी अस्सी रुपए हो जाए ठीक है अब आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा अगर ये अस्सी रुपए आपने सेल प्राइस कर दिया वेरिएबल कॉस्ट तो एक यूनिट की साठ रुपए आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन बीस रुपए आने लग जाएगा इस क्वेश्चन में बच्चे को डाउट यह हो सकता है कि सर अगर सेल्स गिरी है तो वेरिएबल कॉस्ट भी गिरेगी तो मैं आपको बता देता हूं सेल्स यूनिट के साथ बढ़ेगी या वेरिएबल कॉस्ट भी यूनिट के साथ बढ़ेगी या गिरेगी सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का एक दूसरे से रिलेशन नहीं है बल्कि यूनिट के साथ दोनों जुड़े हुए हैं जैसे कि एक यूनिट का सेल प्राइस है सौ और वेरिएबल कॉस्ट है साठ तो दो यूनिट की यह भी दो सौ हो जाएगी डबल और यह भी डबल हो जाएगी एक सौ बीस

तो हमारे पास यहां पर इन फ्यूचर हमारे पास आ गया कि भाई अभी तो हमारे पास चालीस रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन है इन फ्यूचर हमारे पास बीस रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा एक यूनिट पर यहां पर अभी हमने एक यूनिट की बात की है ठीक है अब बताइए क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि बाई वोट परसेंटेज मस्ट सेल्स बी इंक्रीज टू ऑफ सेट ट्वेंटी परसेंट रिडक्शन इन प्राइस ऑफसेट करने का मतलब इस नुकसान की भरपाई हो जाए तो यानी कि आप आज चालीस रुपए कमा रहे थे कल भी आप चालीस रुपए कमाना चाहते हो तो उसके लिए आपको सेल की कितनी परसेंटेज बढ़ानी पड़ेगी तो आपकी एग्जिस्टिंग सेल कितनी है एग्जिस्टिंग सेल है आपकी सौ रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका चालीस रुपए आप इन फ्यूचर चाहते हो कि आपको चालीस रुपए ही कॉन्ट्रीब्यूशन मिले तो देखिए बीस रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है अस्सी रुपए पर तो चालीस रुपए के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए कितनी सेल करनी होगी अस्सी रुपए पर हम कमा रहे हैं बीस रुपए तो चालीस रुपए के लिए कितनी सेल करनी होगी एक सौ साठ रुपए तो कल आपको एक सौ साठ रुपए की सेल करनी होगी तब जाकर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन चालीस रुपए होगा और हम चेक भी कर सकते हैं एक यूनिट अस्सी रुपए की है तो बताइए दो यूनिट कितने की हो जाएंगी एक सौ साठ रुपए की एक सौ बीस रुपए वेरिएबल कॉस्ट जाएगी दो यूनिट की और चालीस रुपए आप कमाने लग जाएंगे तो बताइए हमें कितनी सेल बढ़ानी पड़ेगी अभी हम सेल सौ रुपए कर रहे हैं कल हमें एक सौ रुपए सेल करनी पड़ेगी यानी हमें अपनी सेल को 60% से इंक्रीज करना होगा तो आपको 60% अपनी सेल को इंक्रीज करना होगा ये अच्छा क्वेश्चन है सीधे फाइव मार्क्स में आएगा इसमें गलती के चांस बहुत ज्यादा है बच्चा वेरिएबल कॉस्ट को बदल सकता है ध्यान रखना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन ने बदलने के लिए नहीं कहा तो वो चेंज नहीं होगी ओके फिर हमारे पास ये बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है पीबी क्यू वन जीरो थ्री ये अप्रोक्सीमेटली दस बार एग्जाम में आ चुका है इस जब भी एग्जामिनर को कुछ नहीं मिलता ये दो पीरियड का डेटा दे देता है दो पीरियड के डेटा में एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा फंसेगा और ये बहुत ही सिंपल है ये कई कई बार बार नंबर नंबर में में आता है, में आता है है तो हमारे पास सेल है पच्चीस लाख रुपए प्रॉफिट सेल का दस परसेंट यानी टू पॉइंट फाइव लैख है ओके अगले साल की सेल है बीस लाख और प्रॉफिट है एट परसेंट ऑफ सेल यानी वन पॉइंट सिक्स लैख का प्रॉफिट है सबसे पहले आप क्या करेंगे सबसे पहले आप निकालेंगे पीवी रेशो रेशो, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाई वन हंड्रेड हमारे पास टू पॉइंट फाइव का प्रॉफिट सिक्स लैख का चेंज इन प्रॉफिट आ गया ये हो गया नब्बे हजार चेंज इन सेल पच्चीस लाख माइनस बीस लाख ये हो गई आपके पास पांच लाख रुपए तो नाइनटी थाउजेंड का कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पास आ रहा है पांच लाख की सेल पर 18 आपका हो क्या क्या मांग रहा है। सबसे पहले मांगी है अब यहां पर आपको दो लेवल हुए। कोई भी एक लेवल आप उठा लो जैसे हमने पहले वाला लेवल उठा लिया पच्चीस लाख रुपए की सेल ठीक है बताइए सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है उसमें से कॉस्ट माइनस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा तो हमारे पास सेल्स इक्व टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है या फिर आप कॉन्ट्रीब्यूशन से शुरू कर सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन इक्व टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पता है यहाँ पर अट्ठारह परसेंट है प्रॉफिट आपको यहां पर पता है ढाई लाख रुपए फिक्स कॉस्ट आपकी निकल कर आ जाएगी देखेगा कॉन्ट्रीब्यूशन पच्चीस लाख रुपए का अट्ठारह परसेंट निकालो कितना हुआ पच्चीस लाख का अट्ठारह परसेंट चार लाख पचास हजार का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ इक्व टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ढाई लाख रुपए ये ढाई लाख रुपए सामने जाकर माइनस हो जाएंगे कोस्ट तो जा जा जाएगी। कि हमारी कोस्ट दो लाख तो है बीपी बताओ बीपी बड़ा सिंपल है कोस्ट पीवी रेशो, दो लाख की फिक्स कॉस्ट है अट्ठारह परसेंट पीबी निकाल लीजिए कितना आ गया दो लाख डिवाइड बाई अट्ठारह परसेंट आ गया इलेवन पॉइंट वन वन लैख तो ग्यारह लाख ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह रुपए हमारा बीपी निकल आया फिर कह रहा है आपको बतानी है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इफ सेल थर्टी लाख हो अगर सेल तीस लाख रुपए हो तो प्रॉफिट बताओ हो, तो कुछ नहीं करना सेल अगर हमारी तीस लाख रुपए है इसमें से वेरिएबल कॉस्ट चली जाएगी हमारी एटी टू परसेंट क्योंकि हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन एटीन है तो वेरिएबल कॉस्ट एटी टू परसेंट है ओके एटी टू परसेंट वेरिएबल कॉस्ट चली गई दो लाख रुपए फिक्स कॉस्ट चली गई प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा थर्टी लैख माइनस एटी टू परसेंट माइनस टू लैख हमारा प्रॉफिट आ गया थ्री पॉइंट फोर लैख ये हमारा थ्री पॉइंट फोर लैक का प्रॉफिट निकल कर आ गया सेल बताओ, अगर चाहिए तो, तो हमारे पास सेल्स जब डिजायर्ड प्रॉफिट दिया होता है तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई पी बी रेशो कॉस्ट है दो लाख डिजायर प्रॉफिट मांगा है फोर पॉइंट सेवन फाइव लैख डिवाइड बाई पीवी रेशो एटीन परसेंट ये हमारे पास आ गया फोर पॉइंट सेवन फाइव प्लस टू डि एटीन परसेंट थर्टी सेवन लेकिन सेल करनी पड़ेगी तो यहां पर हमारे पास आ गया पॉइंट आगे इसके बाद में लास्ट कह रहे हैं एमओ एस एट प्रॉफिट ऑफ टू सेवेंटी प्रॉफिट दिया हुआ है एमओ एस पूछ रहा है तो प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशो आपके पास एमओ एस आ जाएगा टू सेवेंटी डिवाइड बाई एटीन परसेंट पंद्रह लाख रुपए का आपका एमओएस हो गया और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया तो एग्जामिनर दो पीरियड का डेटा दे देता है आपसे अलग अलग चीजें पूछ लेता है सिंपली पहले पीबी रेशियो निकालो उसके बाद जो भी पूछता जाए वो निकलता जाएगा बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है बीबी -बी क्यू वन जीरो फोर एग्जाम में आए वो क्वेश्चन है स्टडी मॉड्यूल के अंदर भी है ये जितने भी क्वेश्चन है वो सारे वो क्वेश्चन रखे हुए हैं यहाँ पर इसमें जो सबसे पहला बीबी क्यू कराया हमने जो सिक्सटी परसेंट हमें सेल बढ़ानी पड़ेगी सिर्फ वो एग्जाम में आए वो नहीं है उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम में भी आए हुए हैं स्टडी मैट के अंदर भी है तो आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास आ गया बीस रुपए पर यूनिट ठीक है कह रहे हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग 14 है और 3.5 पॉइंट फाइव आपकी

फर्स्ट एस्टिमेट ब्रेक इविन लेन लेवल सेल्स लेवल क्वांटिटी एंड कैश ब्रिक ब्रेक क्वांटिटी तो अगर हमसे कहते हैं कि ब्रेक इविन लेवल बताओ तो बीपी हमारे पास बड़ा सिंपल है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट यूनिट्स में पूछा है क्वेश्चन ने तो हमारी फिक्स कॉस्ट है पैंतीस लाख कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट बीस रुपए है

एक लाख यूनिट हमारे पास आ गई कैश ब्रेक इवन पॉइंट तो ब्रेक इवन पॉइंट नॉर्मल 175 कैश ब्रेक इवन पॉइंट 1 लाख यूनिट आ गया कह रहा है एस्टिमेटेड पीवी रेशो बताओ पीवी रेशो बड़ा सिंपल है बीस रुपए का कंट्रीब्यूशन 37.5 पर बीस ₹20 37.5 पर 53.3 बार परसेंट 33333 ये हमारा पीवी रेशो आ गया

हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है पैंतीस लाख डिजायर प्रॉफिट क्वेश्चन ने बोला है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बीस रुपए है तो थर्टी फाइव प्लस टू फिफ्टी डिवाइड बाई ट्वेंटी रुपी वन लैख एटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूनिट आपको बेचनी पड़ेगी ये हमारे पास आ गया वन एटी सेवन फाइव हंड्रेड यूनिट ठीक है अब एक एग्जामिनर कई बार क्या करता है

बल्कि फोर वन सिक्स 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 सेवन लेंगे तो फिक्स कॉस्ट ले प्रॉफिट अमाउंट में आंसर चाहिए तो पीवी रेशो यूनिट में आंसर चाहिए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रख दीजिए ये आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन खत्म तो ध्यान रखना है अगर पीएटी दिया हो तो पहले उसे बिफोर टैक्स बनाना जरूरी है उसी के बाद क्वेश्चन सोल्व होगा एक है हमारे पास बीबीक्यू वन जीरो फाइव

12.5 लाख मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया ठीक है ना बीएपी आ गया कह रहे टोटल सेल बताओ कि टोटल सेल कितनी होगी अब देखिए मोएस सेल का 37.5 है बीपी मोएस मोएस सेल का 37.5 है तो बीपी होगा 62.5 परसेंट और बीपी हमें पता है साढ़े बारह लाख रुपए तो सेल अगर आपको टोटल चाहिए तो बड़ा सिंपल

तो बारह लाख रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई ये भी निकल गई ऐसे छोटे छोटे से कोई कोई पॉइंट पूछता रहेगा कह रहा है करंट प्रॉफिट बताओ ठीक है जी हमारे पास बीस लाख की सेल है बारह लाख उसमें वेरिएबल कॉस्ट है पांच लाख की आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है सब कुछ दिया हुआ है हमारे पास बारह पांच सत्तर तीन लाख रुपए आपका प्रॉफिट हो गया लो जी तीन लाख रुपया प्रॉफिट भी आ गया इसके बाद में कह रहा है न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ अगर सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए सेवन पॉइंट फाइव परसेंट से ओके तो हमारे पास न्यू सेल कितनी होगी अभी हमारी सेल है बीस लाख क्वेश्चन कह रहे हैं से बढ़ जाएगी है. तो बीस लाख प्लस सेवन पॉइंट हमारी सेल हो जाएगी ओके. अब न्यू एमओस ट्वेंटी सेल है और हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हम निकाल चुके हैं साढ़े बारह लाख रुपए ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जो भी बिकेगा वो सब कुछ एमओएस है तो साढ़े बारह लाख रुपए हमारा बीपी ये हमारे पास नाइन लेख का एमओ आ गया ठीक है ये हमारे पास न्यू एमओस बन गया इसके बाद में हमारे पास है क्वेश्चन बीबी क्यू वन जीरो सिक्स द प्रोफिट फॉर दर ऑफ आरजे लिमिटेड वर्कआउट ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारा प्रॉफिट है वो कैपिटल एम्प्लॉयड का ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट है ये कैपिटल एम्प्लॉयड दी है फोर लैख इसका ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट पचास हजार रुपए तो पचास हजार रुपए खर्चे जितने भी होते हैं वो सारे वेरिएबल होते हैं तो डायरेक्ट मेटेरियल भी वेरिएबल है डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल है, है ये सारी वेरिएबल कॉस्ट है ओके कह रहे हैं नया सेल्स मैनेजर आया है हु है ज्वाइन द कंपनी रिसेंटली

तो कल 110 यूनिट बेचेंगे ओके एंड सिमल्टेनियसली देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फोर परसेंट सेल प्राइस जो भी है उसमें चार परसेंट आपको इंक्रीज करना है एंड ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन इन ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बाई टू परसेंट बोले और जितने भी हमारे पास कॉस्ट के एलिमेंट हैं यानी मेटेरियल लेबर ओवरहेड, वो वेरिएबल हो फिक्स हो सब में दो परसेंट रिडक्शन हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा आपकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन देखिए क्या है हमारे पास जो सेल है वो फाइव लैख है हमारे पास जो variable है उसे जोड़ लेते हैं हम तीनों को और और वेरियबल थ्री लैख ठीक है आपके पास बचा कॉन्ट्रीब्यूशन वन पॉइंट वन लैख इसमें से हम कॉस्ट माइनस करेंगे प्रॉफिट आ जाएगा तो प्रॉफिट हमारे पास पचास हजार हम निकाल चुके हैं इसका मतलब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई साठ हजार रुपए बैलेंसिंग फिगर यह हमारे पास करंट स्टेटस आ गया अब जरा देखिए अगर आप यहां सो यूनिट बेच रहे थे तो यहां एक सौ दस यूनिट बेचने वाले हो तो देखिए पांच लाख रुपए की जो आपकी सेल थी वो सौ यूनिट पर थी तो एक सौ दस यूनिट पर कितनी होगी और क्वेश्चन ने कहा है, सेल प्राइस चार परसेंट बढ़ जाएगा तो पांच लाख पचास हजार Plus 4%, आपकी सेल होगी फाइव लैख सेवेंटी टू थाउजेंड तो कह रहे हैं दस परसेंट तो आपकी यूनिट बढ़ गई तो सौ की जगह एक सौ दस हो गई और प्राइस भी चार परसेंट बढ़ गया ठीक है जी अब ऐसे ही वेरिएबल कॉस्ट थ्री पॉइंट नाइन लैक की वेरिएबल कॉस्ट है सो यूनिट पर तो एक सौ दस यूनिट पर कितनी होगी और दो परसेंट कॉस्ट रिडक्शन होनी है क्वेश्चन ने कहा सारी कॉस्ट में दो परसेंट रिडक्शन होगी तो थ्री लैख नाइनटी थाउजेंड और माइनस ये हो गया टू परसेंट यह हो गया फोर टू जीरो फोर टू जीरो अब आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया वन फाइव वन फाइव एट जीरो इसके बाद में जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो यूनिट के बेसिस पे नहीं बदलती वो तो साठ हजार साठ हजार ही रहेगी पर क्वेश्चन ने कहा है कॉस्ट रिडक्शन सब में टू परसेंट आनी है तो साठ हजार में भी दो परसेंट कम होगा फिफ्टी एट एट हंड्रेड आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई आपका प्रॉफिट चेक करिए कितना वन फाइव वन फाइव एट जीरो का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट प्रॉफिटी थ्री 92,000। टू थाउजेंड चाहिए और प्रॉफिट 92,780 मिल रहा है तो क्वेश्चन ने पूछा है कि क्या हमारे को इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि नाइनटी टू से भी प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होकर मिल रहा है तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे ओके okay. एक हमारे पास है बीबी क्यू वन जीरो सेवन एन इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी इज प्लानिंग टू एस्टेब्लिश अ सब्सिडियरी कंपनी इन भूटान टू प्रोड्यूस मिनरल वाटर बेस्ड ऑन द एस्टिटेड एनुअल सेल्स ऑफ फोर्टी थाउजेंड बोटल ऑफ द मिनरल वाटर चालीस हजार हमको लगता है बेचेंगे कॉस्ट स्टडीज प्रोड्यूस द फॉलोइंग एस्टिमेट फॉर द भूटानी सब्सिडियरी मेटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड एडमिन ओवरहेड ये खर्चे लिए

उजेंड के हमारा फैक्ट्री ओवर हेड है जिसका सिक्सटी परसेंट वेरिएबल है यानी और थर्टी सिक्स एट हंड्रेड फिक्स है और चालीस हजार के एडमिन के खर्चे हैं जिसका थर्टी फाइव परसेंट वेरिएबल है फोर्टीन थाउजेंड और बाकी छब्बीस हजार रुपए फिक्स है तो इसको हमने वेरिएबल और फिक्स में तोड़ दिया सारे खर्चों को ठीक है द भूटानी भूटानीज कंपनी प्रोडक्शन विल बी सोल्ड बाई मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव रिसीव अ कमीशन ऑफ एट परसेंट ऑफ सेल प्राइस तो हमारे को कमीशन भी देना है सेल प्राइस का एट परसेंट कमीशन वेरिएबल कॉस्ट होता है ठीक है नो पोर्शन ऑफ इंडियन ऑफिस एक्सपेंसिव डेलोकेटेड टू भूटानी सब्सिडियरी सबसे पहले कह रहे हैं कंप्यूट द सेल प्राइस पर बोटल टू इनेबल द मैनेजमेंट टू रियलाइज एंड एस्टिमेटेड टेन परसेंट प्रोफिट ऑन सेल्स प्रोसीड इन भूटान तो सबसे पहले आपको सेल प्राइस बताना है तो देखिए सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यही कंसेप्ट रहेगा हमारे पास हर जगह सेल कितनी यूनिट की करनी है चालीस हजार यूनिट मल्टीप्लाई बाई सेल प्राइस इक्व टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो वेरिएबल तो और फिक्स कॉस्ट यहां पर हमने अलग अलग कर लिए पर जोड़नी दोनों ही है तो आप इस पूरे को एक साथ जोड़ के लिख सकते हो दो लाख दस हजार एक पचास नाइन्टी टू और फोर्टी टोटल फोर लैख नाइन टू थाउजेंड है अलग अलग हमने निकाल लिए हैं लेकिन आप सीधे एक साथ जोड़ सकते हो फोर लैख नाइन टू थाउजेंड इसके अलावा एक खर्चा दिया है कमीशन कमीशन बोला एट परसेंट देना है हमें सेल का तो ये परसेंट ऑफ सेल्स ये आ गया प्लस हमारे पास जो प्रॉफिट है वो सेल का दस परसेंट है टेन परसेंट ऑफ सेल्स ये आ गया ठीक है तो हमारे पास जो सेल्स है वो चालीस हजार यूनिट की है जिसका वेरिएबल कॉस्ट फोर नाइनटी टू एट परसेंट ऑफ सेल हमारे पास कमीशन है और टेन परसेंट ऑफ सेल हमारे पास प्रॉफिट है तो सेल्स इक्व टू फोर नाइनटी टू प्लस एटीन परसेंट प्लस एटीन परसेंट ऑफ सेल्स अब एटीन परसेंट सामने आकर माइनस हो जाएगा एटी टू परसेंट बचा सेल्स इक्व टू फोर लैख नाइनटी टू थाउजेंड divided by 82% ये हमारे पास आ गया 6 लाख ,00 रुपए और बताइए सेल का मतलब क्या है हजार यूनिट इनटू सेल प्राइस तो बताइए अगर सेल प्राइस निकालना है तो क्या करना होगा 6 लाख ,00 रुपए की सेल हजार यूनिट की है तो एक यूनिट 15 रुपए पे हम बेचेंगे तो 15 रुपीज़ पर यूनिट आपका सेल प्राइस निकल कर आ जाएगा ये हमारे पास सेल प्राइस निकल कर आ गया 15 रुपए ठीक है दूसरा पॉइंट कह रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट बताओ इन सेल्स एज ऑल्सो इन नंबर ऑफ बोटल यानी अमाउंट में भी और क्वांटिटी में भी फॉर भूटानी सब्सिडियरी ऑन द एजम्शन दैट सेल प्राइस इज फोर्टीन रुपीज पर बोतल अगर सेल प्राइस फोर्टीन रुपीज पर बोतल है तो आपको बीपी निकालना है अब देखिए बीपी के लिए हमें क्या चाहिए मान लो यूनिट्स में निकाल रहे हैं जैसे तो बीपी इन यूनिट्स में मुझे चाहिए एक तो फिक्स्ड कॉस्ट और डिनोमिनेटर में चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट

दो लाख दस हजार एक लाख बीस हजार पचपन दो सौ और फोर्टीन तो ये आ गई थ्री नाइनटी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड की वेरिएबल कॉस्ट है चालीस हजार यूनिट की डिवाइड बाई चालीस हजार यूनिट नाइन पॉइंट नाइन एट इसके अलावा एक कमीशन और दिया हुआ है सेल का आठ परसेंट आठ परसेंट सेल का अब सेल चौदह रुपए हो जाएगी तो कमीशन भी फोर्टीन पे ही लगेगा तो एक रुपए बारह पैसे का कमीशन भी है तो ट और एक रुपए बारह पैसे का कमीशन मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो गई जिसे मैं सेल में से हटा दूंगा रुपए दस पैसे माइनस फोर्टीन टू पॉइंट नाइन पर यूनिट मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया कि भाई सेल में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस की कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट निकल आएगा तो नाइनटी टू एट हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू पॉइंट नाइन ये आ गया 32000 यूनिट्स तो 32000 यूनिट आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स है अमाउंट में चाहिए तो सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो सेल प्राइस है 14 तो 448000 का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में है तो ये हमारे पास आ गया 32000 और 448000 तो इस तरीके से क्वेश्चन चलते रहेंगे देखो मार्जिनल कॉस्टिंग में मल्टीपल क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस भर-भर के किसी भी तरीके का नया क्वेश्चन बनाया जा सकता है कभी फिक्स्ड कॉस्ट बोल देगा बीपी बोल देगा एमओएस बोल देगा कुछ भी लिख के बोल देगा इसमें प्रॉफिट बताओ कुछ भी लिखकर बोल देगा कि इतने प्रॉफिट के लिए सेल बताओ कह देगा वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाए तो क्या होगा सेल प्राइस बढ़ जाए तो क्या होगा तो जैसी भी सिचुएशन बताए उसको लीजिए कंसेप्ट बिल्कुल सीधा है कि सेल्स इक्व टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्सड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है जी ओके okay. इसके बाद में हमारे पास आता है इंडिफरेंस पॉइंट इंडिफरेंस पॉइंट का कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास एक या एक से ज्यादा ऑप्शन हो इन डिफरेंस पॉइंट इसको कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट या कॉस्ट बीपी ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट तो इसके अंदर हमारे पास इन डिफरेंस पॉइंट बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट रहता है इन डिफरेंस पॉइंट इक्व टू आपके पास दो ऑप्शन होंगे आप लोगे डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो दो ऑप्शन होंगे दो ऑप्शन की फिक्स्ड कॉस्ट दी जाएगी दो ऑप्शन की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी जाएगी डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट लीजिए डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लीजिए और ये हमारे पास इन पॉइंट निकलकर आ जाएगा तो इन पॉइंट हमेशा दो लेवल्स के बीच में निकाला जा सकता है स्टडी मेट ने हमें यहाँ पर तीन लेवल्स दिए गए हैं तो तीन लेवल्स में देगा तो हमें ऑप्शन के बीच में, में, में स्टडी तो मॉड्यूल के अंदर आरटीपी में भी आ चुका है एग्जाम में जिस भी दिन ये क्वेश्चन आएगा मेरे हिसाब से फाइव से टेन मार्क्स में दोनों जगह पर इसकी पोस्टिंग हो सकती है बेसिकली पांच नंबर से ज्यादा का है और दस नंबर से कम का है तो दोनों जगह इसकी पोस्टिंग हो सकती है द फॉलोइंगेटा ऑफ थ्री वेज ऑफ प्रोसेसिंग क्लैरिकल वर्क फॉर केसोर एलसी कोर्ट सिस्टम तीन केस इन्होंने दिए कह रहे हैं ये हमारे फिक्स खर्चे हम आपको बता रहे हैं यहां का फिक्स खर्चा पंद्रह हजार यहां का फिक्स खर्चा पच्चीस और पंद्रह चालीस पैंतालीस हजार और यहां का फिक्स खर्चा एक लाख पच्चीस हजार ठीक है तो ये तीन फिक्स कॉस्ट थी इसके बाद में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यहां पर दी हुई है 240 पर यूनिट 140 पर यूनिट और चालीस रुपए पर यूनिट ठीक है अब हमें इन तीनों के बीच में निकालना है तो जैसे ए और बी के बीच में निकालना है तो पैंतालीस हजार रुपए माइनस पंद्रह हजार रुपए डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट आ गया न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दो सौ और एक सौ का डिफरेंस तो हमारे पास सबसे पहले आगे ए और बी के बीच में दोनों की फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस डिवाइड बाई तो पर केस चल रहा है कहीं पर आपको यूनिट मिल सकती है थ्री हंड्रेड केस हमारे पास इन डिफरेंस पॉइंट आ गया फिर ए और सी का निकाला तो ए और सी के लिए पंद्रह हजार की फिक्स्ड कॉस्ट और एक लाख पच्चीस हजार की फिक्स्ड कॉस्ट का डिफरेंस और दो सौ चालीस रुपए और चालीस रुपए पर यूनिट का डिफरेंस तो हमारे पास एक लाख दस हजार डिवाइड बाई दो सो फाइव फिफ्टी केस आ गए अब ए और बी हो गया ए और सी हो गया अब बी और सी निकालेंगे तो बी और सी जब हम निकालने जाएंगे तो बी और सी में हमारे पास आ जाएगा 45 और 125 का और 40 का का डिफरेंस डिफरेंस तो ऊपर आ गया अस्सी हजार डिनोमिनेटर में आ गया सौ रुपए अस्सी हजार डिवाइड बाई सो रुपये एट हंड्रेड केस आ गया इसके बाद में इन डिफरेंस पॉइंट में क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि सजेस्ट करो कौन सा प्लान बेटर है तो इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा सबसे पहले हम देखेंगे इन डिफरेंस पॉइंट लोएस्ट किसका है तो 300, 550 और 800. तो 300 हंड्रेड लोएस्ट है यहां से हम बताना शुरू करेंगे तो इसमें बड़ा सिंपल सा रहेगा अगर आपके केस 300 से कम है इफ केसेज आर लेस देन 300, तो आप उस प्लान पे जाइए जिस प्लान में ये 300 वाला ये है ए और बी अब आपको ए और बी में जाकर देखना पड़ेगा कि फिक्स्ड कॉस्ट किसकी कम है तो फिक्स्ड कॉस्ट ए की कम है पंद्रह हजार रुपए तो अगर आपके तीन सौ से भी कम केस हैं तो उस प्लान पे जाइए जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट कम हो लोअर देन बी ए और बी की लड़ाई हो रही थी तो ए और बी में एक ही फिक्स कॉस्ट कम है तो ए को लेंगे थ्री हंड्रेड केसेज पर ए और बी दोनों इनडिफरेंट हो जाते हैं दोनों एक जैसे रहते हैं और अगर आप 300 से ऊपर चलोगे मोर दे थ्री हंड्रेड से कम है तो ए क्योंकि उसकी फिक्स कॉस्ट कम है फिर ए और बी डिफरेंट हो गए तीन सौ से ज्यादा केस है तो बी पर आ जाओगे तो अब जैसे ए और बी की लड़ाई खत्म हो गई ए ने अपना काम कर लिया अब बी चल रहा है अब बी और सी देखेंगे अब ए और सी नहीं देखना ए और बी हमने सबसे पहले देख लिया ए और बी की लड़ाई क्योंकि वो सबसे लोएस्ट था A और बी को देख लिया ए और बी के बीच में बता दिया अब ए खत्म हो चुका है अब बी आ चुका है यहां पर आ गया गया बेहतर यहां पर फिर जीत अब बी के बाद में अब सी देखेंगे हम बी और सी की लड़ाई चलेगी तो ए और सी इसमें हमारे किसी काम का नहीं आता तो हमारे पास जब तीन केस होते हैं या तीन मॉडल होते हैं तो तीन मॉडल के अंदर बड़ा सिंपल सा रहता है सबसे पहले लोएस्ट देखो लोएस्ट इंडिफरेंस पॉइंट किसका आ रहा है उनके बीच में लड़ाई करवाओ ए और बी के बीच में करवा दी भाई कि कौन का बेहतर उसके बाद में ए और बी की बात हो चुकी है पहले ए जीत गया फिर बी जीत रहा है अब बी से सी पे जाएंगे ए से सी पे नहीं जाएंगे तो बी और सी को उठाएंगे अब तो 800 केस में इन डिफरेंस पॉइंट है बी और सी में तो बी और सी में सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट किसकी कम है तो बी और सी में फिक्स्ड कॉस्ट बी की कम है तो 800 से नीचे बी जीतेगा तो अगर केस मोर देन 300 है एंड लेस देन एट हंड्रेड है आठ सौ से कम तो भी है तो बी बेहतर है एट हंड्रेड केसेज पर बी और सी दोनों इंडिफरेंट आ जाएंगे और अगर केस मोर देन एट हंड्रेड होते तो फिर हमारे पास सी बेहतर हो जाता ऐसे ये कितने ही केस बना सकता है जैसे अभी एबीसी बनाया फिर डी ई एफ ऐसे बना दें तो आपके जो सिलेबस में वो मैक्सिमम तीन केस आ सकते हैं वैसे एग्जाम में दो केस आने चाहिए दो केस आएंगे तो और भी आसान हो जाएगा इसके बाद में हमारे पास एक आता है शटडाउन पॉइंट उसका इसमें टच है पंद्रह परसेंट रिटर्न तीस हजार रुपए प्रॉफिट चाहिए ठीक है फ्रॉम एन एनालिसिस ऑफ रिसेंट कॉस्ट फिगर्स ही फाइंड्स हिट वेरिएबल कॉस्ट सिक्सटी परसेंट यानी पीवी रेशियो इसका फोर्टी परसेंट है कॉस्ट आर वो सेल्स वॉल्यूमटेन टू बीपी तो बीपी बड़ा सिंपल है, रेशो. है हमारे पास अस्सी हजार डिवाइड बाई पी वी रेशो है चालीस परसेंट अस्सी हजार डिवाइड बाई चालीस परसेंट यह आ गया आपके पास दो लाख रुपए तो आपका बीपी दो लाख रुपए आ गया पॉइंट नंबर वन ठीक है जी फिर कह रहे हैं वोट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑप्टेन टू गेट फिफ्टीन परसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी वो तीस हजार का जो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं उसके लिए क्या करना होगा तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय पीवी फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास क्वेश्चन में अस्सी हजार प्रॉफिट कमाना चाहते हो थर्टी थाउजेंड और पीवी वी रेशो है फोर्टी परसेंट आपका तो एक लाख दस हजार डिवाइडेड बाई फोर्टी परसेंट टू लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड आपके पास आ जाएगा अगर सेल्स अगर आप तीस हजार का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं इसके बाद लास्ट पॉइंट में है शटडाउन पॉइंट एक ही क्वेश्चन में छोटा सा पॉइंट है तो शटडाउन पॉइंट में होता क्या है शटडाउन पॉइंट में हम ये देखते हैं कि हम बिजनेस को कंटिन्यू रखें या कभी टेम्पररी ऑफ सीजन वगैरह में बंद कर दें तो इसके अंदर आपको तो देखनी होती है कि फिक्स्ड कॉस्ट दो तरीके की होती है एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट जो अन है यानी कि आप बिजनेस को बंद भी करोगे तो भी ये खर्च होगी तो बिजनेस चलाओ या ना चलाओ ये खर्चा आप अवॉइड नहीं कर सकते तो हम इसको मार देते हैं इग्नोर इसमें के किसी काम की नहीं है और एक आती है फिक्स्ड कॉस्ट अवॉइडेबल अवॉइडेबल का मतलब है कि अगर बिजनेस रन करोगे तो इनकर होगी तब तो खर्चा है और बिजनेस शट डाउन कर दोगे तो फिर इसकी इनकरेंस बंद हो जाएगी तो अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट को हम बचा सकते हैं तो हमें डिसीजन लेना होता है कि हम बिजनेस को शट डाउन करें या नहीं तो इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर आप अवॉयडेबल फिक्स्ड कॉस्ट को कमा रहे हो आप अगर फिक्स्ड कॉस्ट को अर्न कर पा रहे हो तो तो बिजनेस चलाओ और अगर उसे भी अर्न नहीं कर पा रहे तो बिजनेस को बंद कर दो जैसे मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन देखते हैं मिस्टर एक्स एस्टिमेट दैट इवन इफ ही क्लोज द डोर ऑफ हिज बिजनेस ही वुड इनक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एट एक्सपेंस पर ईयर कह रहे मिस्टर एक्स अगर बिजनेस को बंद भी कर दें तो भी पच्चीस हजार रुपए इनको खर्च करने पड़ेंगे वैसे इनकी फिक्स कॉस्ट कितनी थी अस्सी हजार रुपए तो इसका मतलब पच्चीस हजार रुपए तो अभी भी खर्च होंगे चाहे बिजनेस बंद भी कर दो बचे कितने थाउजेंड ऐसे हैं जो बिजनेस चलाओगे तो खर्च होंगे वरना खर्च नहीं होंगे टोटल फिक्स कॉस्ट अस्सी हजार है इस क्वेश्चन में तो अस्सी हजार रुपए में से पच्चीस हजार ऐसे हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते यानी पचपन हजार को तो अवॉइड कर सकते हो अब हमें देखना है कि पचपन हजार रुपए कमाने के लिए हमें कितनी सेल करनी होगी तो बताइए पचपन हजार की फिक्स्ड फिक्स कमानी है हमारा पीवी रेशो कितना है उससे डिवाइड कर दीजिए पचपन हजार की फिक्स्ड कमानी है और फोर्टी परसेंट पी वी रेशो है पचपन हजार डिवाइड बाई फोर्टी परसेंट वन लैख थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड की अगर आप सेल कर रहे हो अगर आप वन लेख थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड की सेल कर रहे हो तो आप इस पचपन हजार को कमा लोगे। लेकिन अगर आप इससे कम सेल कर रहे हो तो आपको अपने बिजनेस को बंद कर देना चाहिए तो शटडाउन पॉइंट कहता है शटडाउन पॉइंट कि अगर आपकी सेल अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पी वी रेशो से कम है तो बिजनेस को बंद कर दो तो शटडाउन पॉइंट हमारे पास रहता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशो एटी थाउजेंड में ट्वेंटी फाइव सेवन फाइव तो अगर आपकी सेल वन थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड से भी कम है तो हम उसको शट डाउन पॉइंट मानेंगे कि आपको अपना बिजनेस बंद कर देना चाहिए बिजनेस चलाने का कोई फायदा नहीं इससे बेहतर तो बिजनेस बंद करो जो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है वो तो सेव हो जाएगी इसके बाद में हमारे पास आता है एक कंसेप्ट सेल्स मिक्स का सेल मिक्स का कंसेप्ट ये कहता है कि हम एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे बल्कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो अगर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट बेच रहे हैं ऐसी सिचुएशन में सेल्स मिक्स हमारे पास अभी तक क्या था कि हमने फिक्स्ड कॉस्ट लिया डिवाइड बाई पीवी रेशो या कंट्रीब्यूशन कर दिया सेल मिक्स के केस में क्या होगा जैसे हमारे पास ए बी सी ऐसे तीन प्रोडक्ट हैं तो तीनों का अपना अपना पीवी रेशो होगा या अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा अब मेरे को मान लीजिए ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो जैसे एक कंपनी है कोक तो कोक भी, बेच रही है, कोक भी बेच रही है लिमका भी बेच रही है बहुत सारे प्रोडक्ट में वो सारे प्रोडक्ट बन भी रहे उनका एडवर्टीज भी कॉमन हो सकता है तो ब्रेक इस सिचुएशन में हमारे पास हम किसी इंडिविजुअल का पीवी वी रेशो ना लेकर वेटेड एवरेज पीवी रेशो निकालते हैं तो वेटेड एवरेज पीवी रेशो

और अस्सी रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इसका आ गया अगर पीवी रेशो निकालना है तो तीन सौ रुपए में से एक सौ पचास रुपए का दो सौ रुपए अब यहाँ अस्सी रुपए दो सो में से चालीस परसेंट पीवी, पीवी रेशो है तो तीनों प्रोडक्ट का अलग अलग पी वी रेशो निकल कर आ गया क्वेश्चन ने कहा है हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अट्ठारह लाख है और टोटल सेल हमारी साठ लाख रुपए है अब अगर ये कहता है बीईपी निकालो तो हम 18 लाख रुपए को किसके ब्रेक पॉइंट से डिवाइड करें ए के बी किसके से करें? से, से या, के, किसका को ले? तो तीनों में से किसी का नहीं लेना इनका आपको वेटेड एवरेज निकालना है वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा फिफ्टी परसेंट पीवी रेशियो चालीस परसेंट सेल पर ओके प्लस फिफ्टी परसेंट पीवी रेशियो थर्टी फाइव परसेंट सेल पर ओके okay. प्लस फोर्टी परसेंट पी वी ट्वेंटी फाइव परसेंट सेल पर ओके इन तीनों को जोड़ लीजिए पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट फोर बीस परसेंट पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट थ्री फाइव सेवेंटीन पॉइंट फाइव और पॉइंट फोर इंटू पॉइंट टू फाइव ये हमारे पास आ गया फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट वेटेड एवरेज पी वी तो अब हमसे ब्रेक इवन पॉइंट पूछेगा तो हम अट्ठारह लाख ,00 को फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव से डिवाइड करेंगे अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे रिक्वायरमेंट नंबर वन पीवी वी रेशो निकालो टोटल कंट्रीब्यूशन निकालो प्रॉफिट निकालो बीपी निकालो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मिक्स का तो हमने इनका सबका पीवी रेशो निकाल लिया फिफ्टी फिफ्टी फोर्टी सेल मिक्स से मल्टीप्लाई करा और इन तीनों को जोड़कर आ गया फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव हमारा रेशो। okay. अब हमें टोटल का, का इस्तेमाल नहीं होगा तो ये आ गया जी हमारा इतना कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा प्रॉफिट जानना है तो कॉन्ट्रीब्यूशन में फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करिए प्रॉफिट आ गया बीपी जानना है तो बीपी को 47.5 सेवन परसेंट कॉम्पोजिट पीवी रेशो से हम डिवाइड करेंगे ये हमारे पास बीपी निकल कर आ गया तो अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट हैं तो पहले पीवी कॉम्पोज या फिर पर यूनिट भी केस हो, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा अब यह कह रहे हैं कि भाई हमारे सामने एक नई सिचुएशन आई है कि प्रोडक्ट ए और बी तो ठीक है लेकिन प्रोडक्ट सी को हम रिप्लेस कर रहे हैं प्रोडक्ट ई e से तो अब ये पहले आपसे एबीसी की कैलकुलेशन करवाइए अब सेम टू सेम कैलकुलेशन ए बी और ई e की करवाएंगे बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा तो फिर ए बी सी तीनों को ले लिया इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जितना भी था पीवी वी उन तीनों को जोड़ा फिफ्टी परसेंट आ गया अब सेम टू सेम चीज जितनी भी सेल है उसमें पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करा ये आ गया फिक्स कॉस्ट माइनस करी प्रॉफिट आ गया और फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो डिवाइड किया आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आ गया फिर पूछा था ए बी सी अच्छे थे या e एबीई अच्छा है तो एबीसी में आपकी कमाई कितनी थी दस लाख पचास हजार एबीई में आपकी कमाई कितनी है फोर्टीन लैख तो आपकी कमाई टेन फिफ्टी से बढ़कर फोर्टीन लैख हो गई है तो हम एबीई e के साथ में जाएंगे ओके okay. एक हमारे पास आता है क्वेश्चन मर्जर का मर्जर मर्जर के अंदर क्या होगा क्वेश्चन दो प्लांट्स को या तीन प्लांट्स को या चार प्लांट्स को एक साथ मर्ज करके यानी हम

इन दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन भी बदलने वाला है और इन दोनों का नया पीवी वी रेशो आने वाला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल तो जैसे मान लीजिए कंपनी ए की सेल है पचास लाख ओके जी भाई इसकी सेल है पचास लाख इसकी वेरिएबल कॉस्ट है तीस लाख रुपए और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है बीस लाख रुपए इसकी फिक्स कॉस्ट है दस लाख और प्रॉफिट है दस लाख ओके अब जो कंपनी भी है उसकी सेल है साठ लाख उसकी वेरिएबल कॉस्ट है लाख रुपए ठीक है जी इसका यहां पर आ गया थर्टी लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन इसकी फिक्स कॉस्ट है अठारह लाख और इसका प्रॉफिट है बारह लाख ऐसे दो कंपनी सिचुएशन दे दी अब आप देखेंगे तो इसका पी वी रेशो फिफ्टी परसेंट है और इसका पी वी रेशो फोर्टी परसेंट है तो एक दिक्कत तो ये आएगी दोनों का पी वी रेशो अलग अलग आ रहा है तो दोनों को मर्ज करके देखेंगे आप दूसरा एक ये कंसेप्ट क्या क्रिएट करते हैं ये कहते हैं ये जो पूरी कहानी है कंपनी कैपेसिटी चल रहा है तब है और कंपनी की ये जो कहानी है ये प्लांट 75 पर पर ऑपरेट हो रहा है पर, तब ये कहानी है कैपेसिटी तब कहानी तो एक प्लांटी परसेंट कैपेसिटी पर चल रहा है दूसरा सेवेंटी फाइव परसेंट कैपेसिटी पर उस पर उसकी कहानी दे दी तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है मैचिंग कंसेप्ट होना चाहिए दो अलग अलग चीजें एड नहीं हो सकती है दूसरे में पहले दोनों को मैच करना पड़ेगा तो मैच करने का क्या तरीका है या तो कंपनी बी को साठ परसेंट कैपेसिटी पर लाओ या फिर कंपनी को 75 पर लाओ आईसीआई कहता है हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो हम सबसे पहले दोनों प्लांट की हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी पर पहुंचेंगे 100 पर दोनों की सेल कितनी है दोनों की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है और फिर दोनों प्लांट्स को एक दूसरे में मर्ज कर देंगे जोड़ देंगे

एंड कैपेसिटी कितनी यूटिलाइज हो रही है ये बताओ तो सबसे पहले मर्ज प्लांट का बी तो हम तब बताएंगे जब हम इन दोनों को पहले मर्ज करके इनका पी वी रेशो निकाल अब देखिए हमें क्या करना होगा ए की थर्टी वन फिफ्टी नाइनटी परसेंट पर तो हंड्रेड परसेंट पर कितनी होगी आपको सब कुछ हंड्रेड परसेंट पर लेके जाना है ओके तो थर्टी वन फिफ्टी डिवाइडेड बाई नाइन्टी परसेंट इसकी सेल होगी पैंतीस लाख ओके अब जरा बी को लेके आते हैं बी को हंड्रेड परसेंट पे लेके आइए चौबीस लाख की सेल साठ परसेंट कैपेसिटी पर तो हंड्रेड पर कितनी होगी okay. अब वेरिएसेंट तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट होगी बाईस लाख और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास आएगा थर्टीन लाख रुपीज ठीक है अब इसकी वेरिएबल कॉस्ट सिक्स परसेंट कैपेसिटी पर है ग्यारह पच्चीस है सिक्सटी परसेंट पर एटीन पॉइंट सेवन फाइव लेख प्लस फोर्टी हो गया फिफ्टी सॉरी माइनस फोर्टी लेख माइनस एटीन पॉइंट सेवन फाइव ये हो गया ट्वेंटी वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है तो हमने दोनों को हंड्रेड परसेंट पे पहुंचा दिया अब हम इनको करेंगे मर्ज तो जब आप मर्ज करेंगे तो इनकी मर्ज करने के बाद हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी पर आपका जो मर्ज प्लांट है उसकी स्थिति देखिए मर्ज प्लांट हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी पर सेल करे तो थर्ट सेवेंटी फाइव लैख उसकी सेल होगी वेरिएबल कॉस्ट उसकी हो जाएगी फोर्टी पॉइंट सेवन फाइव लैख उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा थर्टी फोर पॉइंट टू फाइव लैख ओके okay. ये हमारे पास प्लांट के 75 lakh, तो प्लांट के केस में दो प्लांट दिए जाएंगे अलग अलग कैपेसिटी पर पहले उनको हंड्रेड परसेंट फिर आपके सामने मर्ज प्लांट क्रिएट होगा हाँ हमारा मर्ज प्लांट है तो मर्ज प्लांट की हंड्रेड परसेंट सेल कैसे निकलेगी ए और बी की हंड्रेड परसेंट सेल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी ए और बी की हंड्रेड परसेंट वेरियबल कॉस्ट और फिर आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा पी वी रेशो आएगा इससे पूरा क्वेश्चन बनेगा हमारे पास क्वेश्चन ने कहा कि बीपी सेल बताओ आप तो बीपी सेल बड़ा सिंपल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो अब मर्ज प्लांट की फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आएगी फिक्स्ड कॉस्ट दी है दोनों की ए और बी की दोनों को जोड़ लीजिए सिक्स फिफ्टी एंड सेवन फिफ्टी फोर्टीन लैक आ गई वेद इसकी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशो 45.6 बार परसेंट आपके पास बीपी निकल आएगा तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय 45.67 ये सेल निकल कर आ गई फिर काहे कि, कि कितने कैपेसिटी पर कितने कैपेसिटी पर ऐसा होगा तो बड़ा सिंपल 30,65000 बीपी है पूरे मर्ज प्लांट की कैपेसिटी है 75 लाख की सेल तो इतना 75 लाख का कितना होगा 40.87 तो 40.87 पर मर्ज प्लांट में बीपी निकल आ जाएगा इसके बाद कह मल्टीप्लाई बाई पीवी रेशो कर दीजिए कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 14 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट है माइनस कर दीजिए प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा तो प्रॉफिट 80 परसेंट सेल पीवी रेशो मल्टीप्लाई करीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करी प्रॉफिट निकलकर आ गया अब कह रहे हैं सेल या टर्न बताओ मर्च प्लांट का अगर हम तीस लाख का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो तो तीस लाख का प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो फोर्टीन लाख की आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है तीस लाख का प्रॉफिट जोड़िए डिवाइड बाई पीवी रेशो तो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी वी रेशो नाइनटी सिक्स लैख की सेल आपको करनी पड़ेगी ये स्टडी मैट के अंदर मिस्टेक है गलती है वो ये कि आपके पास स्टडी मेटेरियल के अंदर सेवेंटी फाइव की मैक्सिमम सेल हो सकती है और यहां पर इन्होंने क्वेश्चन में 96 सिक्स लैक की सेल तक पहुंचा दिया मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली 96 सिक्स लैख की सेल तो कभी हो ही नहीं सकती ये मर्ज प्लांट पिछहतर लाख रुपए की सेल कर सकता है पर आई ने क्वेश्चन ऐसे डाला हुआ है कायदे में इनको जो प्रॉफिट है ना तीस लाख से कम रखना चाहिए पंद्रह सोलह लाख के आसपास रखना चाहिए कि हमारी जो सेल है वो पिछहत्तर लाख से ऊपर नहीं जा सकती हमारी हम कर ही नहीं सकते उससे ऊपर पर इन्होंने इसको लिया हुआ है तो ठीक है कोई बात नहीं ये आ गया इसके बाद में कह रहे हैं वेन द मर्ज प्लांट इज वर्किंग हम तीस लाख ,00 रुपए प्रॉफिट कमाते हुए काम कर रहे हैंड ,00 है. हैं, अगर ओवरहेड पांच परसेंट बढ़ जाए तो चौदह लाख रुपए के ओवरहेड है पांच परसेंट यानी सत्तर हजार रुपए ओवरहेड बढ़ जाए तो सेल प्राइस कितना बढ़ाना पड़ेगा तो सेल प्राइस ही हमें टोटल अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट सत्तर हजार बढ़ गई तो हमें अपनी सेल को भी सत्तर हजार इंक्रीज करना पड़ेगा तो यहाँ पर सत्तर हजार रुपए तो परसेंट बढ़ाना पड़ेगा पॉइंट सेवन टू सेवन परसेंट सेल प्राइस आपको इंक्रीज करना पड़ेगा तो मर्जर का एक क्वेश्चन है एक बार ही आ चुका है एक ही क्वेश्चन है तो एग्जाम में जब भी आएगा यही क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए ओके इसके बाद में क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं अगला बीबी वन वन फोर यह है की फैक्टर का क्वेश्चन की फैक्टर क्या कंसेप्ट है कोई भी ऐसी चीज जो आपके प्रोडक्शन या सेल को रिस्ट्रिक्ट करता हो कंपनी के अंदर उसे हम की फैक्टर बोलते हैं जैसे मान लो हमारे पास लेबर आर्ट्स इतने हैं ही नहीं कि हम ओवरऑल प्रोडक्शन बना पाए यानी जितनी डिमांड है उतना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाए या हमारे पास मेटेरियल की शॉर्टेज है या हमारे पास मशीन आर्ट्स की शॉर्टेज है तो कोई भी एक चीज आपका की फैक्टर बन सकता है की फैक्टर का मतलब है कोई ऐसी चीज जो आपकी सेल को या प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट करता हो तो की फैक्टर का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट रहता है इसका क्वेश्चन आजकल आईसीए को फिर आके पूछ भी रहा है की फैक्टर के, के केस में आपको सिंपली स्टेप वन लेना होता है कि आप क्या करिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालिए इन टर्म ऑफ की फैक्टर जो भी की फैक्टर हो जैसे मान लो की फैक्टर लेबर आर है तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आर अगर मान लीजिए रॉ मटेरियल की फैक्टर है तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर किलोग्राम इस तरीके से आप पहले कॉन्ट्रीब्यूशन उस टर्म में निकालिए जो भी की फैक्टर की टर्म दी जाए स्टेप टू आपके पास रहेगा कि इन सबको रैंक दीजिए जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन की फैक्टर के टर्म में सबसे ज्यादा होगा उसको रैंक वन जिसका कम उसको रैंक टू फिर इसी तरीके से रैंक थ्री फोर फाइव चलती रहेगी ओके okay. फिर स्टेप थ्री हमारे पास आता है कि आपको अब अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है रिसोर्सेज एलोकेशन तो रिसोर्सेज एलोकेशन बड़ा सिंपल है इसको हम ऑप्टिमल प्रोडक्शन भी बोलते हैं ऑप्टिमम या ऑप्टिमल प्रोडक्शन ये बड़ा सिंपल है जिसकी रैंक वन है सबसे पहले उसे रिसोर्स एलोकेट करेंगे जिसकी रैंक टू है उसके बाद उसका नंबर फिर जिसकी थर्ड है उसका तीसरा नंबर आ जाएगा तो हमारे पास इसके ऊपर ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है एग्जाम में भी आ चुका है स्टडी में में भी है, RTP, में भी है है आरटीपी एमटीपी आता यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा अगर की फैक्टर का क्वेश्चन आएगा तो मोन लिमिटेड प्रोड्यूस प्रोडक्ट एक्स वाई जेड एंड हैज डिसाइडेड टू एनालाइज इट्स प्रोडक्शन मिक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज थ्री प्रोडक्ट एक्स वाई जेड तीन प्रोडक्ट है हमारे पास एक्स वाई जेड डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट मेटेरियलिटन एवरिट आठ पास डिपार्टमेंट पे वाई में दस और पंद्रह घंटे लगते हैं जेड में पांच और बारह घंटे लगते हैं फ्रॉम द करंट बजट फर्दर डिटेल्स एंड लो कह रहे हैं एनुअल प्रोडक्शन एट प्रेजेंट दस हजार यूनिट एक्स की बारह हजार यूनिट वाई की और बीस हजार यूनिट जेड की है ठीक है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस तीन सौ बारह रुपए चार सौ रुपए और दो सौ चालीस रुपए है ठीक है सेल्स डिपार्टमेंट एस्टिमेट ऑफ पॉसिबल सेल इन कमिंग ईयर आने वाले साल में हमें लगता है ये दस की जगह बारह हजार यूनिट बिकेगी ये बारह की जगह सोलह और ये बीस की जगह चौबीस हजार बिक सकती है यानी सबकी डिमांड बढ़ने वाली है डिपार्टमेंट ए of of में लेबर की शॉर्टेज है. Be है उसको नहीं बढ़ा सकते तो आपकी मैन पावर अभी कितनी है आपकी मैन पावर अभी दस हजार यूनिट टैक्स की बारह हजार वाई की और जेट की बीस हजार यूनिट बनानी मैन पावर आपके पास है डिपार्टमेंट ए में तो डिपार्टमेंट ए में आपने छह घंटे दिए एक्स को दस हजार यूनिट है उसकी ठीक है बारह हजार यूनिट आपने वाई की बनाई है जिस पर दस घंटे देते हो आप प्लस जेट की बीस हजार यूनिट आपने बनाई है जिनको आप पांच घंटे देते हो तो एक लाख घंटे जेट पर आपने दिए हैं एक लाख बीस हजार वाई पे दिए हैं और साठ हजार एक्स पे दिए हैं तो आपके पास सिक्सटी थाउजेंड वन ट्वेंटी और वन लेख ,00 टोटल टू लैक एटी थाउजेंड आर्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं अभी ये रिस्ट्रिक्टेड है कि इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते इसको ये हमारे पास लिमिटेड है ओके अब क्वेश्चन कह रहे यहां पर आइडेंटिफाई द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स ऑफ मोन लिमिटेड आपको बताना है बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा इसके अंदर सिंपली हम सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है ठीक है जी तो हमारे पास यहां पर सेल प्राइस आ गया डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट माइनस कर दिया वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट पर हम आ गए अब हमारा क्या था? था के तो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया यूनिट कितनी कमा कर देती है अब हम क्या करेंगे हम ये देखेंगे एक यूनिट कितने घंटे लेती है जो हमारा की फैक्टर है तो डिपार्टमेंट ए में एक्स पर लगते हैं छ घंटे वाई पर लगते हैं दस घंटे और जेट पर लगते हैं पांच घंटे तो सिक्स टेन और फाइव यहां पर हम सिक्स टेन और फाइव आर से डिवाइड कर देंगे हमारे पास आ जाएगा एक घंटे में कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो हमें सबसे पहले चाहिए होता है कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ की फैक्टर तो की फैक्टर की टर्म में आपके पास कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है बहत्तर रुपए का कंट्रीब्यूशन छह घंटे पर तो बारह रुपए पर आर हो गया ये ट्वेल्व रुपीज पर आर एक घंटे में

तो रैंक वन वाले को कितनी यूनिट बनानी है छह घंटे लगते थे तो दिए टोटल टू है, है. रैंक टू किसकी थी वाई की. इसकी यूनिट बननी है? दे दो जी हर यूनिट में दस घंटे लगने थे ओके वन सिक्सटी दे दिए अब घंटे कितने बच्चे हमारे पास टू एटी में सेवेंटी टू और वन सिक्सटी हो गए फोर्टी एट थाउजेंड आर्स हमारे पास बचे ये बचा खुचा जो है वो रैंक थ्री वाले को मिल जाएगा तो रैंक थ्री में नाइनटी सिक्स हंड्रेड यूनिट ही बन पाएंगी जबकि जेड की जो डिमांड है वो चौबीस हजार है तो जेड कॉम्प्रोमाइज करेगा क्योंकि वो कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर सबसे कम दे रहा है बाकी दोनों कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे बाकी दोनों आराम से प्रॉपर वे में काम करेंगे इससे नाइनटी सिक्स हंड्रेड हो गई ये कॉम्प्रोमाइज करेगा तो जिसकी सबसे कम रैंक होगी वो रिसोर्सेज के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा उसका प्रोडक्शन पूरा नहीं हो पाएगा बाकी सबका प्रॉपर प्रोडक्शन हो जाएगा ये हमारे पास थर्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड यूनिट हो गए थर्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एमीसी की ओके अब कह रहे हैं, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ तो टोटल सिंपल है यूनिट पे कितना पे कितना और पे कितना टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकलकर आ गया की फैक्टर इस तरह से चलेगा एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है बीबी -बी क्यू वन वन थ्री ये भी की फैक्टर का ही क्वेश्चन है ये कभी पूछा नहीं गया बीबीक्यू क्यू वन वन टू तो कई बार पूछा गया है

जो कोई एक ही स्पेयर पार्ट बना सकती है या तो ए या तो बी दोनों में से एक ही स्पेयर पार्ट इसको बनाना है दोनों की डिटेल दे दी जो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा वो बनाएंगे सीधी सी बात अब इन्होंने इसके बाद क्या किया इन्होंने ये बताया कि ए और बी में जो एलओ एलओ होता है मेटेरियल एलओए व्हील बोलते हैं ना उसकी बात कर रहा है तो जो एलओ है वो कितना कितना लगेगा जो मशीन ए है वो कितना कितना टाइम देगी बी कितना कितना टाइम देगी ये इन्होंने यहां पर डेटा दे दिया रहे हैं, टोटल आर्ट अवेलेबल ऑफ मशीन ए फोर हैं ए के चार घंटे हमारे पास हैं बी के टोटल हैं और 13000 किलोग्राम हमारे पास है इन तीनों की डिटेल दे दी अब सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि अवेलेबल रिसोर्सेज में यानी मशीन ए मशीन बी और एलोए तीनों चीजें चाहिए बनाना कोई एक स्पेयर पार्ट है या तो ए या तो बी इन दोनों में से डिसाइड करने किसे बनाएंगे तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि अवेलेबल रिसोर्सेज में कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है पार्ट ए या पार्ट बी का पार्ट पार्ट ए या बी का तो बड़ा सिंपल सा तरीका होता है एलोए कितना है आपके पास थर्टीन थाउजेंड एक यूनिट पर एलोए कितना लगेगा वन पॉइंट सिक्स के जी तो थर्टीन थाउजेंड बाईं यूनिट हम स्पेयर पार्ट ए की बना सकते हैं यहां पर भी उतना ही लगना है या फिर बी की एट वन टू फाइव बना सकते हैं तो हमारे पास एलोए इतना है कि हम एट वन टू फाइव या तो ए या फिर बी बना सकते हैं दोनों में से लास्ट में बनेगा कोई एक ही बना कोई एक ही सकते हैं हम तो चेक कर रहे हैं कितना कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है ओके अब मशीन है घंटे हैं चार हजार घंटे हैं पॉइंट सिक्स आर लेगा ए पर अगर लगाते हैं तो फोर थाउजेंड डिवाइड बाई पॉइंट सिक्स तो सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्स यूनिट और यहां पर फोर थाउजेंड डिवाइड बाई इस पे पॉइंट टू फाइव आर लगता है इसकी सोलह हजार यूनिट हो गई तो मशीन ए अगर अपना टाइम देती है स्पेयर ए बनाने में तो सिक्स थाउजेंड सिक्स बी बनाने में देती है तो सोलह हजार यूनिट बना सकती है तो सिक्स 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 और सोलह हजार यूनिट ठीक है जी इसके बाद में थर्ड अवेलेबल रिसोर्स है मशीन बी इसके पास फोर्टी फाइव हंड्रेड आर्स है तो मशीन बी की अगर बात करें फोर्टी फाइव हंड्रेड है

ओके okay. अब देखिए हमारे पास पार्ट ए बनाने के लिए जो रिसोर्सेज हैं मशीन ए की रिसोर्सेज 6666 यूनिट बना सकती है बी 9000 बना सकती है और एलोए 8125 बना सकता है तो तीनों रिसोर्सेज चाहिए यूनिट बनाने के लिए तो मशीन ए सिक्स के बाद में पार्ट ए के बनने को रिस्ट्रिक्ट कर देगी क्योंकि मशीने बंद हो जाएगी तो हमारे पास एलोय तो है एट वन टू फाइव का मशीन बी भी है 9 ,000, 9 ,000 यूनिट बना सकती पर मशीन ए अवेलेबल नहीं है तो यहां पर मशीन ए आपका की फैक्टर बन जाएगा और ये एक सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सिक्स यूनिट से ऊपर बनने ही नहीं देगा तो ए की तीनों रिसोर्सेज से सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सिक्स यूनिट से ऊपर नहीं बन सकती ऐसे ही बी का बी में मशीन ए सोलह हजार यूनिट बना सकती है मशीन आ, मशीन ए सोलह हजार यूनिट बना सकती है पार्ट बी के मशीन बी एट वन यूनिट बना सकती है पार्ट बी के और एलओए एट टू फाइव यूनिट बना सकता है तो रिस्ट्रिक्शन कहां पर आ जाएगी एलओए पर क्योंकि मेटेरियल ही खत्म हो जाएगा तो मशीन ए और मशीन बी एट से आगे भी बना सकते हैं वो एट बना सकती है वो सोलह लेकिन इनको बनाने के लिए मेटेरियल तो चाहिए तो इसके केस में मेटेरियल यानी एलोय की फैक्टर बन जाएगा तो हमारे पास एट वन टू फाइव से ऊपर पार्ट भी नहीं बन सकता तो तीनों रिसोर्सेज को अगर हम लेकर देखते हैं तो पार्ट ए की सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सिक्स से ज्यादा नहीं बन सकती तीनों रिसोर्सेज होने चाहिए तभी काम हो पाएगा और पार्ट बी के केस में एट वन टू फाइव से ज्यादा यूनिट नहीं बन सकती तो ठीक है पहले डिसाइड हुआ इतनी इतनी यूनिट बन सकती है अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा है आइडेंटिफाई करिए

फिर ए और बी में कंपैरिजन किया जाएगा कि किसे बनाएंगे तो ए को बनाएंगे हम क्योंकि वो ज्यादा हमें कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगा इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है अगर वाई लिमिटेड रिड्यूस करता है टारगेट प्राइस को प्राइस दस परसेंट और ऑफर करता है साठ रुपए पर आर ऑफ अनयूटिलाइज मशीन आर को व्हाट विल बी द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्पेयर पार्ट आइडेंटिफाई अब जो आपने स्पेयर पार्ट डिसाइड किया तो, हेलो 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 आ आगे वन मिनट ठीक है हाँ जी अब देखिएगा जरा जहां पे रोका था वहीं से बता रहा हूँ आपको आ, हमारे पास वो सुबह भी इंटरनेट का इशू हुआ था कल इलेक्ट्रीशियन आ जाएगा हो जाएगा ठीक तो इसमें हमारे पास सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सिक्स यूनिट हम बना रहे थे इसकी अब देखिएगा वन सेवनटी नाइन नाइन एटी टू का कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसे आ रहा है मैं थोड़ा सा बैक में चला जाता हूँ पहले हमें ये डिसाइड करना था कौन सा स्पेयर पार्ट बनाए उसके बाद में हमने डिसाइड कर लिया भाई ए बनाएंगे और वन सेवनटी नाइन नाइन एटी टू का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा फिर कह रहे हैं इफ वाई लिमिटेड रिड्यूस टारगेट प्राइस वाई टेन परसेंट एंड ऑफर आर ऑफ अनयूटी आर्स वॉट विल द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम स्पेयर पार्ट आइडेंटिफाई अबब तो आपके पास जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो वन सेवेंटी नाइन एटी टू आ रहा था अब क्वेश्चन इसके अंदर थोड़ी सी हेरा फेरी कर रहा है हेरा फेरी सिंपली से क्या कर रहा है कि सेल प्राइस थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्स है सेल प्राइस है टेन परसेंट प्राइस को गिरा रहा है तो फोर्टीन पॉइंट फाइव का तो हमारा प्राइस गिर जाएगा सिक्स 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 मल्टीप्लाई फोर्टीन पॉइंट फाइव ये आपके पास नाइन सिक्स सिक्स फाइव सेवन का कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा सेल प्राइस गिरने से और कह रहे हैं साठ रुपए पर आर पर हम मशीन आर को बाहर आउटसोर्स कर देंगे तो हमारे पास जो मशीन आर्ट्स हैं जरा देखिए अगर आप पार्ट ए बनाते हैं तो मशीन ए तो पूरी यूटिलाइज हो जाएगी मशीन भी नौ हजार यूनिट बना सकती थी लेकिन बनाएगी सिर्फ सिक्स 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 यूनिट आधा घंटा लगेगा तो थ्री 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 आर्ट्स इसके यूज होंगे फोर्टी फाइव हंड्रेड में से थ्री 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 आर्ट्स यूज हुए और हमारे पास वन वन सिक्स सेवन आर्ट्स उसके बाद भी बच गए तो वन वन सिक्स सेवन आर्ट्स आपके पास बच गए उसे साठ रुपए से आप बाहर आउटसोर्स कर दोगे ये हमारे पास आ गया सात हजार बीस रुपए तो सात हजार बीस रुपए का आपको फायदा हो जाएगा आपका रिवाइज कंट्रीब्यूशन वन फाइव थ्री थ्री फोर फाइव हो जाएगा तो यहां पर इन्होंने पहले निकलवाया कैलकुलेशन कि भाई आप कौन सा पार्ट बनाएंगे वो बताइए ये पार्ट बहुत अच्छा है इसका कि भाई अवेलेबल रिसोर्सेज में से कितना प्रोडक्शन हो सकता है ये इसमें बेटर चीज है तो रिसोर्स रिस में से सिक्स और एट वन टू फाइव यूनिट बन सकती हैं ए और बी को चेक कर लिया ज्यादा कमा कर ए दे रहा था तो ए बनाएंगे उसके बाद जो चेंजेज है, है इसके बाद अब आगे कह रहे है। Last हमारे पास point, marginal absorption एक concept चलता है मार्जिनल वर्सिज एब्जोर्शन में पहले आपको बताते जाता हूं कॉन्ट्रीब्यूशन या कॉम्पोजिट पीवी रेशो का इस्तेमाल करिए मर्जर में पहले हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी पर जाइए उसके बाद प्रॉब्लम को सोल्व करिए की फैक्टर में आपके पास में कॉन्ट्रीब्यूशन की टर्म में निकालिए रैंक दीजिए उसके बाद में ऑप्टिमम ऑप्टिमम मिक्स या फिर कैलकुलेट कर लीजिए शटडाउन पॉइंट के अंदर जो आपकी अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट है डिवाइड बाय रख दीजिए शटडाउन पॉइंट अगर सेल उससे भी कम है तो बिजनेस को बंद कर देना चाहिए इन डिफरेंस पॉइंट इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को लेंगे हम और इसके बाद में हमारे पास एक पॉइंट और आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का कई बार एग्जामिनर पूछता है एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे बोलते हैं तो चार्ट बनाने के लिए कभी कहा नहीं थ्योरी का होता है ये इसमें बड़ा सिंपल सा हमारे पास रहता है ये यह देखिए यहां पर है हमारी यूनिट्स ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है थोड़ी और ऊंची कर देता हूँ ज़्यादा ही नीचे रह गई ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन फिक्स रहती है वेरिएबल कॉस्ट की लाइन सेल के साथ में बढ़ती रहेगी यूनिट के साथ हमारी जो टोटल कॉस्ट लाइन है वो आ है. है. है ये आ जाएगी टोटल सीधी वेरिएबल कॉस्ट की चल रही है टोटल कॉस्ट की लाइन के अंदर वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट जोड़ देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट जोड़ोगे तो टोटल कॉस्ट की लाइन हो जाएगी ये पैरेलल चलती है वेरिएबल कॉस्ट के

सेल्स और टोटल कॉस्ट लाइन के बीच में जो एंगल बनता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल जितना बड़ा होगा जितना लार्ज होगा आपका प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा सेल्स और टोटल कॉस्ट एक दूसरे से जितने दूर होंगे सेल और टोटल कॉस्ट एक दूसरे से जितने दूर होंगे उतना बड़ा एंगल होगा जितना बड़ा एंगल होगा आपका प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा तो कई बार एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में पूछा जाता है दो नंबर पांच नंबर ऐसे पूछा जा सकता है ओके okay. अब हमारे पास लास्ट कंसेप्ट एक पूछा जाता है इनकम स्टेटमेंट एब्जोर्शन कॉस्टिंग में और मार्जिनल कॉस्टिंग में बनाओ इसका क्वेश्चन भी बड़ा आसान है और इसका क्वेश्चन है भी दस नंबर के अंदर आना चाहिए स्टडी मैट में भी कंसेप्ट है आरटीपी में खूब पूछता है एमटीपी में खूब पूछता है एग्जाम में आज तक नहीं दिया तो मार्जिनल कॉस्टिंग का एग्जाम में आज तक कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं है सीधे क्वेश्चन आते हैं बड़े लड्डू से क्वेश्चन आते हैं आप पूरा पास्ट ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आप पेट पकड़ के हंस हंस के पागल हो जाओगे कि सर इतना आसान कैसे हो सकता है तो इनकम स्टेटमेंट एब्जोर्शन में और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या फर्क रहेगा वो देखते हैं सबसे पहले सेल लिख लो उसके बाद में हम लेंगे प्रोडक्शन प्रोडक्शन कॉस्ट 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 वेरिएबल आ जाएगी साथ में की फिक्स्ड आएगी जो रिकवरी रेट से लेनी है तो एब्जोर्शन कहता है कि हम प्रोडक्शन कॉस्ट के फिक्स हिस्से को रिकवर recover करेंगे रिकवरी रेट से निकालेंगे ठीक है ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक ले लीजिए क्लोजिंग स्टॉक ले लीजिए ओपनिंग स्टॉक स्टैंडर्ड रेट से आएगा और क्लोजिंग स्टॉक करंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपका आया है उसके बेसिस पे निकालेंगे यानी कि इसमें इन्होंने स्टडी मैट ने बोला है, फीफो मेथड हो गया कि ओपनिंग यूनिट तो बिक गई करंट यूनिट से क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा तो सबसे पहले हम लेंगे प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा ओपनिंग कॉस्ट को स्टैंडर्ड रेट से फिर क्लोजिंग स्टॉक को करंट रेट से लेंगे इसके अंदर जो फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो रिकवरी रेट से आएगी अब मान लो हमने रिकवर करे पैंतालीस हजार रुपए और हमारा खर्च एक्चुअल में पचास हजार तो पांच हजार रुपए की आपकी हो गई अंडर रिकवरी थाउजेंड आपकी अंडर रिकवरी हो गई अगर अंडर रिकवरी है तो नुकसान है ओवर रिकवरी है तो फायदा है तो अंडर रिकवरी है नुकसान है ये बोले नुकसान है ना तो अंडर रिकवरी तो, को खर्चे में जोड़ दो खर्चे में जोड़ दो या प्रॉफिट में से माइनस कर दो बात तो एक ही रहेगी आपने प्रॉफिट में से माइनस किया तो भी प्रॉफिट कम हुआ आपने खर्चे में जोड़ दिया तो भी प्रॉफिट कम हो जाएगा तो अंडर रिकवरी को हम खर्चे में जोड़ देंगे ओवर रिकवरी को माइनस कर देंगे फिर हमारी जो भी एडमिन सेलिंग के खर्चे हैं वो लिखेंगे और प्रॉफिट निकल जाएगा बस इसके अंदर एक ही पॉइंट है कि फिक्स्ड प्रोडक्शन को रिकवरी रेट से लेना है फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट को अब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट कहता है हम तो फिक्स्ड कॉस्ट को कॉन्ट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर पहले वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी फिक्स नहीं आएगी फिर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड होंगे ओपनिंग स्टॉक स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पे क्लोजिंग स्टॉक करंट रेट से वैल्यूड हो जाएगा फिर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से वेरिएबल uh, आ गया उसमें वेरिएबल एडमिन सेलिंग जोड़ेंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी आपके पास फिर हम सेल में से जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है उसे माइनस करके निकालेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन और कॉन्ट्रीब्यूशन में से सारी फिक्स्ड कॉस्ट एक ही बार में माइनस कर देंगे कॉन्ट्रीब्यूशन में से सारी की सारी फिक्स कॉस्ट वन शॉट माइनस कर देंगे तो दोनों में फर्क क्या रहेगा दोनों में फर्क ये रहने वाला है कि जो आपकी एब्जॉर्शन कॉस्टिंग है वो फिक्स और वेरिएबल दोनों को लेके चलेगी फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करते हुए चलेगी प्रोडक्शन कॉस्ट को और मार्जिनल कॉस्टिंग सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेके चलेगा सारी वेरिएबल कॉस्ट जोड़ेगा उसके बाद में कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेगा फिर कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट वन शॉट माइनस करेगा इस तरह से बनेगा इनकम स्टेटमेंट एज पर मार्जिनल अब हमारे पास इसका एक छोटा सा क्वेश्चन है जहां तक उम्मीद है अगर कभी एग्जाम में दिखा तो यही दिखना चाहिए क्योंकि आर टीपी टी में हमेशा यही पूछा जाता है बीबीक्यू वन वन फोर वंडर्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर सिंगल प्रोडक्ट जेस्ट द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू जेस्ट फॉर वन ईयर पीरियड एक्टिविटी लेवल फिफ्टी परसेंट और हंड्रेड परसेंट बता दिया पूरे साल का डेटा दिया है सेल्स एंड प्रोडक्शन 400 यूनिट 50 परसेंट पे 800 यूनिट 100 परसेंट पे होंगी अब देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट में वेरिएबल जैसे तीन लाख बीस हजार वेरिएबल कॉस्ट है 400 यूनिट पर तीन लाख बीस हजार चार यूनिट पर तो यहां मैं लिख रहा हूं आठ रुपए पर यूनिट वेरिएबल है हमारी ठीक है आप यहां से भी निकाल सकते हो छह लाख चालीस हजार आठ सौ यूनिट पर कहीं से भी निकालो आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट वन सिक्सटी वन सिक्सटी है तो फिक्स्ड कॉस्ट वन सिक्सटी है बात खत्म हो गई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट चार सौ यूनिट पर तो ये हो गई हमारी एक लाख साठ हजार चार सौ यूनिट पर चार सौ रुपए पर यूनिटल कॉस्ट प्रोडक्शन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ गया आठ सौ रुपए पर यूनिट और चार सौ रुपए पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट मेरे पास प्रोडक्शन की है वन सिक्सटी और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की टू फोर्टी ये जो प्रोडक्शन की फिक्स्ड कॉस्ट है रिकवरी रेट से ली जाएगी एब्जॉर्शन के अंदर मार्जिनल के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है सारे खर्चे जोड़कर लास्ट में माइनस कर दो ठीक है द नॉर्मल एक्टिविटी लेवल फॉर द ईयर इज 800 यूनिट हम पूरे साल में नॉर्मली 800 यूनिट बनाते हैं ठीक है फिक्स्ड कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द एंड एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट आर सेम एज बजट देर वर नो स्टोक ऑफ जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ दर ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है क्वेश्चन में? Okay. में चार क्वार्टर है इन द फर्स्ट क्वार्टर टू ट्वेंटी यूनिट एंड वन सिक्सटी यूनिट फॉर सोल्ड दो सौ बीस यूनिट बनाई और एक सौ साठ यूनिट आपने बेची है ठीक है सबसे पहले तो हमें रिकवरी रेट निकालना है फिक्स कॉस्ट का तो देखिए फिक्स्ड कॉस्ट एक लाख साठ हजार रुपये पूरे साल में है तो एक क्वार्टर की कितनी होगी चालीस हजार और ये दो लाख चालीस हजार है पूरे साल में तो एक क्वार्टर की कितनी होगी साठ हजार ठीक है तो सबसे पहले तो हमने इयरली डेटा दिया हुआ है उससे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली आठ सौ रुपए और चार सौ रुपए और फिक्स्ड कॉस्ट चालीस हजार और साठ हजार आ गई ठीक है अब एबजोर्शन कॉस्टिंग क्या करेगा ये जो चालीस हजार की फिक्स्ड कॉस्ट है वो इसका रिकवरी रेट निकाल लेगा चालीस हजार बल्कि चालीस हजार से क्यों पूरे से निकाल लो एक लाख साठ हजार की 800, 200 पर हमारा रिकवरी रेट हो गया फिक्स का कॉस्टिंग के लिए तो फिक्स कॉस्ट कौन सी लेनी है प्रोडक्शन वाली पूरे साल की कॉस्ट ले ली पूरे साल की यूनिट लेनी क्वेश्चन ने नीचे क्लियर बोला है कि हमारा नॉर्मल एक्टिविटी लेवल भी 800 हंड्रेड है तो दो सौ रुपए पर यूनिट हमारा रिकवरी रेट आ गया ठीक है।, है जी फर्स्ट क्वार्टर में दो रिकवरी रेट कितना है दो पर यूनिट अभी निकाला है कितनी रिकवर हो गई फोर्टी फोर था रुपीज आपने रिकवर किए हैं ये भी आपकी रिकवरी हो गई ठीक है सेकंड पॉइंट व्हाट वुड बी द अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड अंडर ओवर रिकवरी कितनी होगी तो आपका एक्चुअल खर्चा कितना है चालीस हजार आपने रिकवर कितना किया है चौवालीस हजार तो आपने चार हजार रुपए की ओवर रिकवरी की है तो फोर थाउजेंड ओवर रिकवरी है आपकी ओके इसके बाद में कह रहे हैं क्वेश्चन में प्रॉफिट एज पर एब्जोर्शन और प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग बताना है आपको ठीक है वो मैं आपको स्टेटमेंट बनाकर सिखाता हूं तो सबसे पहला पॉइंट हो गया रिकवर्ड ओवर रिकवरी अब, अब हमें बनाना है इनकम स्टेटमेंट एबजोर्शन से तो सबसे पहले सेल लिख लो हमारी कितनी यूनिट बिकी है हमारी 220 बनी थी 160 बिकी है ठीक है एक सौ साठ यूनिट बिकी है सेल प्राइस, कितना है? सेल प्राइस मैं आपको बता दू चारे दो हजार पर यूनिटेंड पर सेल प्राइस है आपका 2000 पर यूनिट आ गया एक सौ साठ तीन लाख बीस हजार ये एबजॉर्शन में अब मार्जिनल में दिखा रहा हूं सेल तीन लाख बीस हजार दोनों एक साथ लेते जाएंगे कहां पर क्या है ठीक है अब प्रोडक्शन कॉस्ट एबजोर्शन वेरिएबल को भी लेगा फिक्स को भी लेगा फिक्स को रिकवरी रेट से लेगा तो 220 दो सौ बीसौ रुपए पर ये variable आ चुकी है हमारी ठीक है जी, 176। और fixed overhead 220 पर 200 recovery रेट से 44, इसकी आ गई मार्जिनल क्या करेगा सिर्फ 176 को लेगा प्रोडक्शन कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल ले ली वन सिक्स बात खत्म ठीक है जी। अब opening stock, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर दो लाख बीस हजार रुपए में दो सौ बीस यूनिट बनी है तो आपने दो सौ बीस बनाई एक सौ साठ बेची है साठ यूनिट का तो सिक्सटी यूनिट कितने की होंगी साठ हजार ये हमारे पास आ गया सीओजीएस अब यहां पर वन सेवेंटी सिक्स इसने तो सिर्फ वेरिएबल खर्चा लिया है कि दो सौ बीस यूनिट है तो साठ यूनिट कितने की होंगी यह आगे अड़तालीस हजार इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 176 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 17 128 तो मार्जिनल में कुछ नहीं करना मार्जिनल में सिर्फ वेरिएबल खर्चा लेंगे ओके जी और अबजॉर्प्शन में वेरिएबल और फिक्स दोनों लेंगे फिक्स रिकवरी रेट से लेंगे ठीक है जी अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तक आ गए ओवर रिकवरी कर ली थी फायदा था तो आपका फायदा है तो कॉस्ट को कम कर दो तो यहां पर लेस ओवर रिकवरी से हमने अपनी कॉस्ट माइनस कर दी फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल और फिक्स दोनों ले लिए और हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ सेल टू एटी ठीक है मार्जिनल क्या करेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ वेरिएबल हिस्सा लेगा तो पहले वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ले ली फिर सेलिंग एंड एडमिन ले ली अब ये कॉस्ट ऑफ सेल इसके पास निकल कर आ जाएगी इसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लिया हमने इसे हम कंपेयर करेंगे सेल से तो हमारे पास आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन और कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट एक ही बार में सीधे माइनस करके प्रॉफिट पर आ जाएंगे तो मार्जिनल कहता है सेल लो उसमें से सारे वेरिएबल खर्चे इकट्ठे करके माइनस करो कॉन्ट्रीब्यूशन निकालो फिर फिक्सड कॉस्ट माइनस करो और एब्जॉर्शन कहता है कि वेरिएबल और फेस दोनों को लेके चलो और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को रिकवरी रेट से लो ये क्वेश्चन है ये दस नंबर में आना चाहिए इसके बाद में लास्ट पॉइंट पूछा है इन्होंने कि डिफरेंस जो आ रहा है सी और डी में उसका रीजन बताइए तो सी और डी में जो डिफरेंस आएगा वो स्टॉक वैल्यूएशन की वजह से आएगा यहां पर क्लोजिंग स्टॉक साठ हजार का है फर्क है इसलिए प्रॉफिट में भी बारह हजार का फर्क आएगा यहाँ चालीस हजार और यहां अट्ठाईस तो दूसरे का आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग का काम खत्म तो मार्जिनल कॉस्टिंग बिल्कुल सिंपल चैप्टर है अब आराम से इसके जितने मैंने क्वेश्चन दिए वो कर लीजिए इसके अलावा आपने अगर अपने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन खुद के भी रखे हुए हैं उन्हें भी निपटा लीजिए तो हमारा स्टैंडर्ड पोस्टिंग खत्म मार्जिनल खत्म ये दो बड़े चैप्टर थे खत्म हो गए कल सुबह दस बजे अब हम करेंगे टारगेटेड टारगेटेड चैप्टर चैप्टर है जैसे हमारा और और एबीसी एबीसी दोनों के दोनों चैप्टर दस दस नंबर के आते हैं एग्जाम में हर अटेम्प्ट में तो कल सुबह दस बजे हम कोशीट और एबीसी ये दोनों निपटाएंगे तो इससे हमारे पास जो मार्क्स वाले जितने भी चैप्टर हैं जिनसे कंफर्म है कि उनसे तो आना ही आना है पहले हम उनको खत्म करेंगे उसके बाद फिर छोटे छोटे चैप्टर एक दिन बैठ के सबके सब एक साथ ले देंगे क्लियर है तो आप मार्जिनल के क्वेश्चन करके आएंगे अब कल इनको आप रफ में भी कर सकते हो राइटिंग में अगर आपके पास टाइम है राइटिंग में कर लीजिए और दूसरी चीज ये कि आप लोग अगर इसके अलावा बूस्टर के अलावा और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके पास है उन्हें भी कर लीजिए तो मुझे लगता है कि ये आपके पास हो गया होगा ठीक है जी

आप सिर्फ अपनी पढ़ाई करो हाँ एक बात का ध्यान रखो जहाँ दो रिवीजन हो सकते थे हमारे वो अब एक ही रिवीजन हो पाएगा उसका रीजन ये है कि पेपर पहले हो रहे हैं पेपर एक्सपेक्टेड था कि बीस पच्चीस दिन बढ़ेंगे तो आपको जो रिवीजन करना है ना वो एफिशिएंट रिवीजन करना है बहुत ज्यादा चीजों को लेके मत चलना देखो बड़ी सीधी सी बात बता रहा आप अगर सब कुछ लेके चलोगे सब कुछ भर के चलोगे आप सोचोगे ये ये सिलेबस है और मैं पूरा हंड्रेड परसेंट सिलेबस करके चलू आज की डेट में तो पूरा हंड्रेड परसेंट सिलेबस रिवाइज नहीं हो सकता पढ़ा जा सकता है पढ़ते हुए आप हंड्रेड परसेंट पढ़ सकते हो रिवीजन के टाइम पे हंड्रेड परसेंट नहीं पढ़ा जाता बेसिकली हमारे पास जो एग्जाम की अगर मैं बात करूं एग्जाम के अंदर तो एग्जाम के अंदर एटी मार्क्स सेलेक्टेड एरिया से आते हैं आपको खुद पता होता है हर चैप्टर में कि कौन से क्वेश्चन है जो आ सकते हैं भाई जिन क्वेश्चन के अंदर सारी एडजस्टमेंट आ रही है वो अलग अलग टाइप की हर एडजस्टमेंट आप कर लो अब आई कोई भी नया क्वेश्चन बनाएगा तो एडजस्टमेंट तो वही होगी तो आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन करने अब आप सोच रहे हो दो नंबर का एक क्वेश्चन है जो कैलकुलेटर पे हो सकता है आप उसकी भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसका क्या फायदा दो नंबर का क्वेश्चन जो कैलकुलेटर पे आप निकाल सकते हो उसकी प्रैक्टिस करने में आपने अपना एक मिनट भी क्यों दिया आप वो क्वेश्चंस करो जो तगड़े क्वेश्चन है जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिनके अंदर सारी एडजस्टमेंट आती हैं जो एग्जाम में कोई भी एडजस्टमेंट आए तो उन क्वेश्चन के अंदर से ही आई हुई होगी ये टारगेट लेके चलो पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज मत करो सेलेक्टेड करो सेलेक्टेड का मतलब ये नहीं आसान आसान सेलेक्टेड का मतलब है जिसमें सारी एडजस्टमेंट्स कवर हो जाएं उसको लेकर चलो तो आपका जल्दी रिकवर हो जाएगा तो आराम से आपका रिवीजन हो जाएगा राइटिंग में कर सकते हो अगर आप अगर आप राइटिंग में कर सकते हो तो राइटिंग में कर लीजिए वेल एंड गुड है और अगर आप राइटिंग में नहीं कर सकते अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि राइटिंग में नहीं कर पाओगे तो कुछ क्वेश्चन राइटिंग में कर लो हर चैप्टर से जिससे कॉन्फिडेंस बना रहे पूरा का पूरा, पूरा, पूरा कैलकुलेटर पे करना समझदारी नहीं है तो आप कुछ क्वेश्चन जैसे एक दो क्वेश्चन राइटिंग में कर ली हर चैप्टर से बाकी कैलकुलेटर पे ऐसा कर लो लेकिन कुछ क्वेश्चन राइटिंग में जरूर करो हर चैप्टर से ठीक है जी तो हम लोग मिलेंगे कल कल हम लोग करेंगे क्वेश्चनशीट और एबीसी ये दोनों चैप्टर एग्जाम में टेन टेन मार्क्स के कंफर्म आते हैं तो क्वेश्चन और एबीसी कल सुबह दस बजे होगा ओके जी सभी को टाटा बाय बाय